बस्तर में कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जिसके चलते बस्तर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने शहर का निरीक्षण साइकिल से किया और प्रशासन के नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल और पुलिस अधीक्षक दीपक झा जगदलपुर की सड़क पर साइकिलिंग करते हुए शहर के भ्रमण पर निकले, जिसके बाद आईएएस और आईपीएस अफसर को साइकिल पर देख आम नागरिकों सहित तैनात प्रशासनिक अमला भी भौचक्का रह गया। जगदलपुर शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों को देखते हुए शहर में 23 जुलाई से 30 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक प्रतिष्ठान खोलने के आदेश दिए गए हैं। इन दोनों अफसरों ने बिना मास्क व बेवजह बाहर घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की और कंटेनमेंट जोन पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सम्मान्य एसपी साहब के साथ शहर का भ्रमण किया, क्योंकि जगदलपुर शहर की परिस्थितियां जो हैं उसके हिसाब से हमने कर्फ्यू लगाया हुआ है 5 बजे के बाद, तो और आज सैटरडे का दिन था, व्यवसाय भी बंद थे, तो उसका देखा और कुछ लोगों पे कार्रवाई भी की है, साथ में मास्क ना पहनने पे। और साथ में जो संजय मार्केट अचानक से कंटेनमेंट जोन घोषित करना पड़ गया कोरोना के मद्देनज़र, उसकी जो व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं पुरानी मंडी में, उसका भी अवलोकन करने हम लोग गए। और साथ में दलपत सागर पे भी एक छोटा सा प्लांटेशन प्रोग्राम था, उसमें भी हम लोगों ने सहभागिता निभाई, कमिश्नर साहब और आईजी साहब भी वहाँ पर उपस्थित थे। और हमारी अपील सभी लोगों से ये है कि कोरोना को देखते हुए कम से कम घर से बाहर निकलें और यदि निकलते हैं तो पूरे टाइम मास्क लगाएं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।